हाय एवरीवन वेलकम टू सेल कॉम्पिटेटिव इंग्लिश लर्निंग आज के वीडियो में हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट की टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं एक सेंटेंस होगा उसके वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो हैं वो जंबल्ड होंगे हमें उन्हें सिक्वेंस में लगा के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है तो इसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं चलिए देखते हैं रीड द सेंटेंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग सबसे so, पहले सेंटेंस को रीड करना है और भले ही वो जंबल्ड है फिर भी कोशिश करना है कि हमें उसका मीनिंग समझ में आ जाए क्योंकि अगर मीनिंग समझ में आ गया तो चीज़ें आसान हो जाएंगी नेक्स्ट फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड वाइल लुकिंग फॉर द सब्जेक्ट की दीज थिंग्स इन माइंड हमें उस जम्बल सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट ढूंढना है और सब्जेक्ट ढूंढते वक्त कुछ चीज़ें हैं जो माइंड में रखनी है जैसे कि टाइप पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इसका क्या मीनिंग है टाइप

या अगर इंटेरोगेटिव है तो कोई डब्ल्यू एच वर्ड यूज़ हुआ होगा ठीक है तो ये भी हमें ध्यान रखना है और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिनमें हम कोई विश या प्रेयर एक्सप्रेस करते हैं जैसे विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे तो इसमें विश यानी कि वर्ब पहले आ रही है सिमिलरली लॉन्ग लिव द किंग ठीक है तो यहाँ पर भी लिव जो है पहले यूज़ हो रहा है किससे किंग नाउन से सिमिलरली अगर मैं बोलूँ मे गॉड ब्लेस यू ठीक है तो वहाँ पे भी जो मे है वो पहले यूज़ हो रहा है मॉडल वर्ब ठीक है तो पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ऑप्टेटिव सेंटेंस है सिमिलरली अगर कंडीशनल सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं इफ़ क्लॉज वाले जिनमें एक इफ़ क्लॉज रहता है और एक मेन क्लॉज होता है कंडीशनल सेंटेंसेस की भी आगे फर्दर टाइप्स हैं जीरो कंडीशनल फर्स्ट कंडीशनल सेकंड कंडीशनल थर्ड कंडीशनल फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशनल हमने टेस्ट या इंग्लिश लेवल में डिस्कस किया था फर्स्ट कंडीशनल होता है जैसे फ्यूचर के दो एक्शन हैं एक एक्शन दूसरे एक्शन पर डिपेंड करता है तो वहाँ पे जो इफ़ क्लॉज होता है उसमें हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल और जो मेन क्लॉज होता है उसमें हम यूज़ करते हैं फ्यूचर सिंपल ठीक है तो जैसे सेंटेंस है इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड तो यहां पे ये इफ क्लॉज है ठीक है और ये मेन क्लॉज है तो इफ क्लॉज में क्या यूज हुआ है प्रेजेंट सिंपल और मेन क्लॉज में क्या यूज हुआ है फ्यूचर सिंपल ठीक है कंडीशनल सेंटेंसेस को समझाने का ये मीनिंग था कि सिर्फ यही नहीं सोचते रहना है कि सेंटेंस जो है नाउन पर नाउन से ही शुरू होगा अभी हम इंटरोगेटिव और ऑप्टेटिव में देख के आए कि सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है वर्ब से शुरू हो रहा है ठीक है थेके? और ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में भी वर्ब से शुरू हो रहा था और कंडीशनल सेंटेंसेस में किसी कंडीशनल इंडिकेटिंग वर्ड से शुरू होगा जैसे इफ हो गया ठीक है वन हो गया या इन केस हो गया या प्रोवाइडेड हो गया ठीक है या फिर अनलेस हो गया ये कुछ कंडीशन इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं तो इनसे भी सेंटेंस शुरू हो सकता है ठीक है जैसे इसी सेंटेंस में लिखें अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड इफ़ नॉट यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड ठीक है तो यहाँ पर अगर आप अनलेस यूज करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा यू विल नॉट सक्सीड क्योंकि यहाँ पे हम इफ अकेला इफ नहीं यूज कर रहे अगर हम यहीं पे यहाँ पे इफ नॉट लगाएं, तो इफ नॉट यू वर्क हार्ट यू विल नॉट सक्सीड यानी कि इफ नॉट ठीक है इज इक्वल टू है, हमने पहले भी बात की थी कि अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट अगर नहीं ठीक है तो अगर आप यहाँ पे इफ नॉट यूज कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा यू विल नॉट सक्सीड बट अगर आप यहाँ पे अनलेस यूज कर रहे हो तो यहाँ नोट नहीं आएगा यहाँ आएगा ठीक है अनलेस यू वर्क हार्ट यू विल नॉट सक्सीड तो यहाँ ये यह सब सबको समझाने का मीनिंग यही था कि सेंटेंस जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी नाउन पर नाउन से ही शुरू हो रहा हो, हो सकता है वो कंडीशनल सेंटेंस हो तो किसी कंडीशन इंडिकेटिंग वर्ड से भी शुरू हो सकता है नेक्स्ट हमें सेंटेंस का टाइप देख लेना है कि वो कहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या फिर सिंपल uh, सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है अगर कंपाउंड सेंटेंस है वहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ होगी ठीक है एंड और बट जैसी अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो वहाँ पे कोई सबॉर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ हुई होगी जैसे अनलेस हो गया ठीक है इस तरह की प्रोवाइडेड हो गया इस तरह की सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगी ठीक है तो चलिए वापस आते हैं फर्स्ट हो गया टाइप पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस नेक्स्ट चेक इफ इन्वर्जन इज अप्लाइड हमें यह भी देखना है कि कहीं सेंटेंस में इन्वर्जन तो नहीं अप्लाइड इसको भी समझ लेते हैं क्या है इसका मीनिंग इन्वर्जन इंग्लिश का एक एडवांस टॉपिक है पर इसे समझ लेते हैं ठीक है जैसे मैं सिंपल सेंटेंस लिखूँ आई हर ठीक है मैं उससे कभी नहीं मिली ठीक है तो यहां पे अगर मैं मीट ने तो मीनिंग सेम है पर लेकिन पैटर्न अलग है यहां पे इनवर्जन अप्लाइड हुई है क्योंकि मैं सब्जेक्ट से पहले वर्ब यूज कर रही हूं और वर्ब से भी पहले क्या आ रहा है एडवर्ब है क्योंकि ये क्या बता रहा है मीट की फ्रिक्वेंसी बता रहा है कि कितना मिली हूँ नेवर तो ये क्या है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी ठीक है तो एडवर्ब आ रहा है फिर वर्ब आ रही है फिर सब्जेक्ट आ रहा है यानी कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब है तो इन अगर अप्लाइड है तो पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा क्या आएगा वर्ब आएगी तो नेवर नेवर डिड तो नेवर डिड आई मीट हर डिड लगा होने की वजह से नेक्स्ट क्या यूज हो रही है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो यहाँ पे क्या आ रहा है मीट यहाँ पे इन्वर्जन को डिस्कस करने का एक ही मीनिंग था कि जरूरी नहीं है कि हर बार हमारा सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से ही शुरू हो रहा हो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में वर्ब पहले हो सकती है या कोई डब्ल्यू एच वर्ड हो सकता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में भी वर्ब पहले होगी और इनवर्जन uh, केस में भी जो है वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले होगी ठीक है इन्वर्जन का यूज क्यों होता है इन्वर्जन का यूज इंफिस के लिए होता है ठीक है नेक्स्ट था अपार्ट फ्रॉम नाउन पर नाउन जीरेंड एंड कैन ऑल्सो बी द सब्जेक्ट ऑफ देंटेंस जब हम अपने सब्जेक्ट को ढूंढ रहे हैं उस जंबल सेंटेंस में तो सिर्फ नाउन पर नाउन ही नहीं देखते रहना है हो सकता है कि जिरन्ड या इन्फिनेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हो क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं कि जरेंड और इन्फिनेटिव ऐसी वर्ब्स होती हैं जो नाउन का, का काम करती हैं नाउन मतलब सब्जेक्ट तो जीरेंट और इंफिनेटिव भी हो सकता है कि सेंटेंस में एज सब्जेक्ट काम कर रहा हो चलिए डिस्कस करते हैं इसको फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलू स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड है या फिर मैं बोलू ड्राइविंग फास्ट ऑना बिजी रोड मे लीड टू एन एक्सीडेंट तो इन दोनों ही केसेस में आप नोटिस करें कि मेरा सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है जी से शुरू हो रहा है ठीक है स्मोकिंग यहां पर फर्स्ट ऑन द वर्ब प्लस आई एन जी है बट नॉट वर्किंग एज वर्ब इट इज वर्किंग एज नाउन दैट एंड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसली हेयर एज वर्ब इट इज वर्किंग एज नाउन सो इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस सो इट इज जीरेंड हेयर तो क्या समझाया जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि कोई नाउन या पर नाउन ही सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है वहां पर जीरेंड या इन्फिनेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो ड्राइविंग फास्ट ऑन अ बिजी रोड में लीड टू एन एक्सीडेंट तो यहाँ पर आप मुझे बताएं कि जो फास्ट है वो क्या है एडजेक्टिव है या एडवर्ब है क्योंकि फास्ट वर्ड जो है वो एज एडजेक्टिव भी काम करता है एज एडवर्ब भी काम करता है जैसे मैं बोलूँ रन फास्ट अभी हम पढ़ के आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप मुझे बताएं कि फास्ट कैसे यूज हुआ है रन फास्ट और जैसे मैं बोलूँ ही इज़ अ फास्ट रनर ठीक है तो इस सेंटेंस में फास्ट क्या है इस सेंटेंस में फास्ट क्या है फिर उसमें बताना कि फास्ट क्या है यहां पे ये जो फास्ट वर्ड है वो किसे क्वालिफाई कर रहा है रन को रन क्या है वर्ब दैट्स वाई फास्ट क्या हुआ एडवर्ब यहाँ पर ही इज अ फास्ट रनर रनर क्या है नाउन जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई करे एडजेक्टिव पढ़ा था कि मोस्टली एलवाई वर्ड्स जो हैं वो आ, क्या होते हैं एडवर्ब होते हैं तो हमारी टेंडेंसी भी होती है कि सारे वर्ड्स के पीछे एलवाई लगा देना तो एडवर्ब बनाना बट फास्ट में एल वाई नहीं लगता फास्टली वर्ड जो है वो सुपर फ्लॉस वर्ड है मतलब उसकी जरूरत नहीं है फास्ट वर्ड ही जो है एज एडजेक्टिव यूज होता है एज एजवर्ब यूज़ होता है ठीक है तो यहाँ पे मुझे बताएं कि फास्ट वर्ड जो है एज यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ हुआ है या एज एडवर्ब यूज हुआ है तो आप ऐसा भी सोच रहे होंगे कि ये नाउन वर्ब तो है पर नाउन का काम कर रही है जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है ठीक है और कुछ सोच रहे होंगे है तो ये वर्ब ही तो ये एज एडवर्ब काम कर रहा है तो हाँ और है तो ये वर्ब ही ना तो इसलिए ये क्या कहलाएगा एडवर्ब ठीक है तो जो जीरेन्ट को क्वालिफाई करता है वो

कौन क्वालीफाई करेगा कोई एडवर्ब क्वालिफाई करेगा क्योंकि जिरेन भले ही नाउन का काम कर रही है पर है तो वर्ब ना देट्स वाई उसे कौन क्वालिफाई करेगा एडवर्ब ठीक है वापस आते हैं अपने टॉपिक पे हमारा टॉपिक यही था कि जब हम अपना सब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है उसमें से सबसे पहली बात ये है कि सेंटेंस कौन से टाइप का है इंटेरोगेटिव है ऑप्टेटिव है कंडीशनल है ठीक है तो उसी हिसाब से हमारा सब्जेक्ट होगा अगर इंटेरोगेटिव है तो वर्ब पहले होगी ऑप्टेटिव है तो वर्ब पहले होगी ठीक है कंडीशनल है तो कोई कंडीशनल इंडिकेटिंग वेन होगा प्रोवाइडेड होगा इन केस होगा ठीक है और कहीं इन्वर्जन तो नहीं अप्लाइड अगर इन्वर्जन अप्लाइड है तो अगेन सब्जेक्ट से पहले वर्ब होगी ठीक है और सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि नाउन या पर noun ही हो जिरेन्ट या इन्फिनेटिव भी हो सकता है अब इन्फिनेटिव देखते हैं कैसे हो सकता है जैसे टू एर इज ह्यूमन या फिर टू गिव एडवाइस इज इजी ठीक है तो यहाँ पे टू एर टू गिव क्या है टू प्लस पर्सन द वर्ब यानी कि इन्फिनेटिव और मेरा सेंटेंस इनसे शुरू हो रहा है यानी कि इन्फिनेटिव यहाँ पे कैसे काम कर रहा है एज सब्जेक्ट ठीक है तो यहाँ पर एडवाइस यूज हुआ है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एडवाइस एंड दिस एडवाइस दिस वन इज वर्ब दिस वन इज नाउन ठीक है फॉर एग्जाम्पल ही एडवाइज मी टू वर्क हार्ड अब ही ने एक्शन परफॉर्म किया है ना एडवाइस देने का उसने मुझे सलाह दी कि मैं हार्डवर्क करूँ ठीक है तो यहाँ पर एडवाइस कैसे यूज़ हुआ है एस वर्ब दैट्स वाई क्या यूज़ हो रहा है एस और ऊपर वाले सेंटेंस में कैसे यूज़ हुआ है एस नाउन ठीक है हम कह रहे हैं कि सलाह देना आसान है तो सलाह दी तो नहीं जा रही ना तो यहाँ पे सिर्फ एस नाउन काम कर रहा है दैट्स वाई क्या है सी ई ठीक है क्लियर है तो हम क्या बात कर रहे थे कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई जीरेंड और इन्फिनेटिव भी हो सकते हैं ठीक है थीके? चलिए आगे चलते हैं इतना हो गया उसके बाद वंस यू फाइंड आउट द सब्जेक्ट अप्लाई डब्ल्यू एच टेक्निक जब एक बार आपने अपना सब्जेक्ट ढूंढ लिया तो उसके बाद डब्ल्यू एच टेक्निक अप्लाई करनी है तो क्या है ये डब्ल्यू एच टेक्निक चलिए डिस्कस करते हैं डब्ल्यू एच टेक्निक डब्ल्यू एच टेक्निक का मतलब है जितने भी डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं उनको अप्लाई करना कौन कौन से होते हैं डब्ल्यू WH एच who वेन whom वट विच है ये जितने भी डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं इनको अप्लाई करना कैसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं फॉर एग्जाम्पल सुप्रिया परफॉर्म्ड वेल इन द कॉन्सर्ट ठीक है तो मुझे अपना सब्जेक्ट मिल गया सुप्रिया ठीक है वंस यू फाइंड आउट द सब्जेक्ट अप्लाई द डब्ल्यू एच टेक्निक तो मेरा सब्जेक्ट कौन है सुप्रिया ठीक है सुप्रिया वाट परफॉर्म्ड हाउ वेल वेयर इन द कॉन्सर्ट तो आपने नोटिस किया कि मैंने किस तरह से डब्ल्यू एच टेक्निक लगाई सुप्रिया सब्जेक्ट मिल गया मुझे उसके बाद मैंने नेक्स्ट वर्ड यूज किया वाट उसका मुझे आंसर मिल गया परफॉर्म्ड फिर मैंने परफॉर्म पे डब्ल्यू एच वर्ड लगाया हाउ वेल well. ठीक है फिर मैंने वेल पे डब्ल्यू एच वर्ड लगाया वेयर इन द कॉन्सर्ट समझ समझ में में आया इस टेक्निक से हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर सकते हैं तो समझ में आ गया आपको डब्ल्यू एच टेक्निक एक बार सब्जेक्ट ढूंढ लेने के बाद मोस्ट सुटेबल डब्ल्यू एच वर्ड अप्लाई करना है और जो फ्रेज उस डब्ल्यू एच वर्ड का आंसर दे रहा होगा वही हमारा नेक्स्ट सिक्वेंस में आएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट था कीप ऑल ग्रामर रूल्स इन माइंड फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव पनाउन एंड रिलेटिव एडवर्ब आर प्लेस जस्ट आफ्टर देयर एंटीसीडेंट जब हम सेंटेंस रिअरेंजमेंट कर रहे हैं तो हमें सारे ग्रामर रूल्स भी माइंड में रखने हैं उन्हीं में से एक रूल है एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं इसे भी जैसे मैं लिखूँ शी इज़ द काइंड ऑफ वुमेन एवरीबडी नोज हु इज़ बिनाइन एंड मैगनैनिमस तो पहले तो बिनाइन का मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं बिनाइन अगर पर्सन के लिए यूज होता है तो उसका मीनिंग होता है काइंड एंड जेंटल पर ये ट्यूमर डिजीज के लिए भी यूज होता है तो वहां पे उसका मीनिंग होता है हार्मलेस नॉट डेंजरस ठीक है बिनाइन ट्यूमर है मतलब हार्मलेस ट्यूमर है ठीक है तो इसका ऑपोजिट उस केस में क्या होगा मेलेगनेंट मैलेग्नेंट का मतलब होता है डेंजरस ठीक है और मैग्ने का मतलब होता है लार्ज हार्टेड या फिर ठीक है चलिए सेंटेंस क्या था शी इज अ काइंड ऑफ वुमन एवरीबॉडी नोज हुनिमस तो यहाँ पे ये जो हु है वो किसके लिए आया है वुमन के लिए तो यहाँ पे तो इसकी प्लेसमेंट कहा होगी यहां पे और नहीं आएगा। सेंटेंस कैसे बनेगा शी इज द काइंड ऑफ वुमन एवरीबडी नोस इज बेनाइन एंड क्या रूल है कि जो रिलेटिव रिलेटिव पर होते हैं उनकी प्लेसमेंट अपने एंटीसीडेंट के जस्ट बाद में होती है एंटीसीडेंट हु कौन है? Who को meaning कौन दे रहा है? Woman word? तो woman word क्या हुआ? Antecedent, clear है तो इसकी प्लेसमेंट कहाँ होगी जस्ट एंटीसीडेंट के बाद में ठीक है चलिए दोबारा आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है? अगर सेंटेंसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं और लॉन्ग सेंटेंसेस हैं तो वहां पे सारे सेंटेंस की सीक्वेंस बनाने के बजाय सिर्फ दो फ्रेजेस की सीक्वेंस ढूंढ लें आप श्योर हो जाए कि हाँ पी uh, के बाद एस ही आएगा लाइक like, जो भी सेंटेंस होता है वो फ्रेजेस में पी क्यू आर एस में डिवाइडेड होता है तो अगर आपको दो फ्रेजिज़ की सीक्वेंस पता लगे कि हाँ पी के बाद एस ही आना है तो आप ऑप्शंस में देखें कि, कि किस ऑप्शन में पी के बाद एस है तो मान लीजिए एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे पी के बाद एस है तो जो भी वो ऑप्शन है वही हमारा आंसर है केस दो ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ पर पी के बाद एस है तो दो तो एलिमिनेट हो गए उन दो में से देखिए कि कौन सा मोस्ट सुटेबल है कौन सा मोस्ट मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है तो वही हमारा आंसर है इन शॉर्ट हमें टाइम बचाना है ठीक है वी हैव टू सेव टाइम इसलिए अगर लॉन्ग सेंटेंसेज हैं उनकी सीक्वेंस सारी की सारी सीक्वेंस खुद से बनाने से बेटर है कि ऑप्शन से सोल्व uh, करें ठीक है और जो सिंपल uh, सेंटेंसेज होते हैं या कंपाउंड सेंटेंसेज होते हैं वो तो ऑप्शनस को देखे बिना ही सॉल्व हो जाते हैं इन केस ऑफ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यू शुड फर्स्ट लुक एट द ऑप्शन टू सेव टाइम ठीक है नेक्स्ट है लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रैक्टिस ठीक है प्रैक्टिस कैन ब्रिंग परफेक्शन ओके okay. तो जो भी आज हमने टेक्निक सीखी है उसे अप्लाई करके देखेंगे आज हम एन डी के क्वेश्चन पेपर से सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस करेंगे एन डी के एग्ज़ाम में सेंटेंस रीअरेंजमेंट से टेन क्वेश्चन आते हैं उसमें पैराजंबल के क्वेश्चंस नहीं आते सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं तो एन डी ए एग्ज़ाम भी साल में दो बार होता है तो 2022 के दोनों ही क्वेश्चन पेपर से हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं चलिए फर्स्ट सेंटेंस है टू बी सक्सेसफुल व्हाट इज एज अ ह्यूमन बीइंग हैव यू एवर कंसीडर्ड तो ये जम्बल सेंटेंस होने पे भी हिंदी में मुझे इसका मीनिंग समझ में आ रहा है कुछ ऐसा कि क्या आपने कभी सोचा है कि एज अ ह्यूमन बीइंग सक्सेसफुल होना क्या होता है ठीक है तो मैंने बोला था कि भले ही सेंटेंस जम्बल्ड है कोशिश करें कि सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ जाए तो अगर मीनिंग समझ में आ गया तो अरेंज करना ईजी हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ रही है यानी कि मेरा सेंटेंस कैसे बनेगा इंटेरोगेटिव तो किससे शुरू होगा have you ever considered what? What it is. अब है क्या अप्लाई होगा वट टू बी सक्सेसफुल हाउ एज अमन बींग समझ में आया सबसे पहले मैंने देखा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले आ रही है वर्ब हैव ठीक है तो यानी कि सेंटेंस क्या है इंटेरोगेटिव तो इसीलिए मैंने सबसे पहले इसको लिया हैव यू एवर कंसिडर्ड ठीक है हैव यू एवर कंसिडर्ड वॉट वॉट इट इज ठीक है फिर मैंने वट अप्लाई किया जिससे मुझे आंसर मिला वट इट इज ठीक है तो यहाँ पे वट कैसे यूज हुई है एज कंजंक्शन ठीक है वॉट इट इज वट टू बी सक्सेसफुल तो वॉट इट इज पे मैंने अगेन वट लगाया जिसका आंसर मिला टू बी सक्सेसफुल फिर टू बी सक्सेसफुल पे मैंने क्वेश्चन लगाया हाउ एज अ ह्यूमन बींग ठीक है जब आपने एक बार जंबल सेंटेंस पढ़ लिया और उसका मीनिंग आपको कुछ कुछ समझ में आ गया तो नेचुरली आप जो डब्ल्यू एच वर्ड है वो भी मोस्ट सुटेबल ही लगाएंगे क्योंकि आपने एक बार सेंटेंस पढ़ लिया है ठीक है चलिए तो इसका आंसर क्या होगा एस क्यू पी आर ओके एस क्यू पी आर कहीं ऑप्शन में है ए तो आंसर क्या है ए ठीक है चलिए आगे चलते हैं चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा देयर इज इन ऑल इंस्टेंस सिंगल सरेंडर टू द आइडिया दैट अथॉरिटेटिव ट्रुट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिफेंडेड मैनी पीपल टुडे आर विलिंग टू तो सेंटेंस देखते ही मुझे समझ में आ गया कि एस जो है वो सब्जेक्ट होगा क्योंकि मैनी पीपल यूज हुआ है पीपल सब्जेक्ट है नाउन uh, है और जो मैनी जो है वो क्या है डिटर्मिनर तो मैनी पीपल टुडे आर विलिंग टू तो इस पर क्वेश्चन उठता है व्हाट आर विलिंग टू व्हाट टू सरेंडर टू इनफिनिटिव है आगे क्या आएगी फर्स आएगी ठीक है टू सरेंडर टू द आइडिया डेट वट दैट देयर इज इन ऑल इंस्टेंस अंगल अगल वर्ड अथॉरिटेटेड ट्रुथ टू बी डिस्कवर्ड एंड डिफेंडेड ठीक है तो सारे पे ही वट 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 ही डब्ल्यू एच वर्ड अप्लाई हुआ है तो सबसे पहले था एस फिर उसके बाद क्या बनेगा क्यों क्योंकि यहाँ पे पता लग रहा है टू है और वर्ब यूज होगी ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा सरेंडर तो क्यू आना था यहाँ से आप ये भी सोच सकते थे कि टू लगा है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म द वर्ब आती है दैट्स क्यू आएगा उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा पी और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा आर एस क्यू पी आर कहीं ऑप्शन में है ओके एस क्यू पी आर तो आंसर क्या होगा डी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर योर सेल्फ द इम्प्लीकेशन ऑफ डेथ if you do not रिफ्लेक्ट and understand फ्रॉम वन preacher to अनदर you will go endlessly ठीक है तो आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो सेंटेंस है वो नाउन पर नाउन से ही शुरू हो कंडीशनल सेंटेंस भी हो सकता है तो इफ़ क्लॉज से शुरू होगा तो ये है इफ़ क्लॉज तो ये हमारा कैसा सेंटेंस है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें प्रेजेंट सिंपल लगा है और दूसरे पार्ट में क्या लगेगा फ्यूचर सिंपल ठीक है तो सबसे पहले हमें अपना सब्जेक्ट मिल गया इफ कंडीशनल सेंटेंस होने की वजह से इफ़ uh, क्लॉज पहले आएगा इफ़ यू डू नॉट रिफ्लेक्ट एंड अंडरस्टैंड ठीक है तो फर्स्ट है ये क्यू तो इस पे क्वेश्चन क्या अप्लाई होता है क्या नहीं अंडरस्टैंड करते इफ यू डू नॉट रिफ्लेक्ट एंड अंडरस्टैंड वट अंडरस्टैंड फॉर योर सेल्फ द इम्प्लीकेशन ऑफ डेथ ठीक है कैन यू अंडरस्टैंड करते अंडरस्टैंड फॉर योर सेल्फ द इम्प्लिकेशन ऑफ डेथ ठीक है अब इस पर क्वेश्चन उठता है देन वट ठीक है यू विल गो एंडलेसली यू विल गो एंडलेसली वेयर कहा जाओगे फ्रॉम वन प्रीचर टू एनअर ठीक है आर तो आपने देखा कि किस तरह से डब्ल्यू एच टेक्निक अप्लाई हुई तो हमारा आंसर क्या है क्यू पी एस आर तो क्यू पी एस आर कहीं ऑप्शन में है क्यू पी एस आर आंसर है बी ठीक है तो सबसे पहले मैंने देख लिया कि ये इफ इफ लगा है इस सेंटेंस में तो ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है इसलिए क्यू जो है वो मेरा सब्जेक्ट होगा उसके बाद मैंने डब्ल्यू एच टेक्निक अप्लाई की इफ यू डू नॉट रिफ्लेक्ट एंड अंडरस्टैंड वट फॉर योर सेल्फ द इम्प्लीकेशन ऑफ डेथ देन वट अगला क्वेश्चन अप्लाई हुआ देन वट यू विल गो एंडलेसली फिर क्वेश्चन अप्लाई हुआ वेयर कहां जाओगे फ्रॉम वन टीचर टू एनदर आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एक बार सब्जेक्ट मिलने के बाद डब्ल्यू एच टेक्निक कैसे अप्लाई होती है चलिए आगे और देखते हैं चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अ लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स एंड रिलेटिंग देम टू एंड अदर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन थिंग्स ठीक है तो सेंटेंस देखते ही मुझे समझ में आ गया कि ये कैसा सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि इसमें एंड लगा है तो इससे ये भी क्लियर होता है कि ये जो एंड एंड वाला पोर्शन है वो लास्ट में आएगा ठीक है तो यहाँ पे एज सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है अ लैंग्वेज ठीक है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है तो क्लियर हो गया कि क्यू जो है वो हमारा सब्जेक्ट है सबसे पहले आएगा तो इस पर क्वेश्चन क्या अप्लाई होता है अ लैंग्वेज रिप्रेजेंट वट अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड तो क्या हो गया पी और नेक्स्ट डिफरेंश कॉमा लगा है कॉमा लगने के बाद नेक्स्ट क्या आएगा क्योंकि ये तो लास्ट में आना है ठीक है और क्या रिप्रेजेंट करता है डिफरशिएटिंग बिटवीन थिंग्स तो एस और लास्ट में क्या आएगा एंड रिलेटिंग दैम टू वन एंड अदर तो यहाँ पे आपने नोटिस किया कि हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना सबसे पहले जरूरी था तो कैसा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कम्पाउंड स्ट्रक्चर है कंपाउंड में भी आगे फर्दर कौन सा मल्टीपल कंपाउंड स्ट्रक्चर क्योंकि इसमें एंड uh, से जो है वो तीन पार्ट्स ज्वाइन हो रहे हैं ठीक है तो अ लैंग्वेज रिप्रजेंट्स वट अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड कॉमा डिफरशिएटिंग बिटवीन थिंग्स एंड रिलेटिंग डेम टू वन एंड अदर क्लियर हुआ तो क्वेश्चन इसमें एक ही अप्लाई हुआ कि व्हाट रिप्रेजेंट्स अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड ठीक है तो फिर बाकी आगे फर्दर ये कंपाउंड सेंटेंस था एंड वाला पोर्शन बाद में आना था कॉमा के बाद नेक्स्ट पार्ट ये आना था क्लियर है चलिए आगे चलते हैं तो इसका आंसर है क्यू क्यू पी एस आर पी एस आर ऑप्शन में कहाँ है डी तो हमारा आंसर है इसका डी ओके चलिए आगे चलते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फ्यूचर मैथमेटिक्स एंड मैथामेटिकल थिंकिंग बी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज रिकोगनाइज है तो मीनिंग कुछ कुछ समझ में आ गया मैथमेटिक्स के के और मैथेमेटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिकग्नाइज किया गया है ठीक है तो यहाँ पर उसको देखने से समझ में आ रहा है फोर्स शुरू नहीं हो सकता विल से शुरू नहीं हो सकता ठीक है मैथमेटिक्स एंड मैथेमेटिकल थिंकिंग

सबसे पहले मैंने देख लिया कि मेरा सब्जेक्ट जो है इट इज़ रिकग्नाइज होगा क्योंकि इसमें कंजंक्शन लगी है सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट जो कनेक्ट करेगी मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल थिंकिंग से दैट्स वाई यहाँ सब्जेक्ट जो है वो एस है इट इज़ रिकोगनाइज दैट वट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल थिंकिंग अगेन वट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वट फॉर इंडियाज फ्यूचर वट वट उसके बाद फिर हमने क्या अप्लाई किया फॉर वट फॉर इंडियाज़ फ्यूचर क्लियर हुआ चलिए तो एस क्यू आर पी कहाँ पर है एस क्यू आर पी डी तो हमारा आंसर क्या है डी चलिए आगे चलते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sciences, sharply, तो इन एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंसेज थ्रू विल बी एनहेंस्ड शार्पली प्रोग्राम्स इंटेग्रेटेड विद जनरल एजुकेशन द प्रिपरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स ठीक है तो इनसे सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता ठीक है से भी शुरू नहीं हो सकता ये सब्जेक्ट नहीं लग रहा तो फिर जो एज सब्जेक्ट काम कर रहा है प्रोफेशनल्स ठीक है तो यहाँ पे यानी कि द प्रिपरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स एज सब्जेक्ट काम करेगा तो ये सब्जेक्ट है मैंने ढूंढ लिया एस द प्रिपरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स क्वेश्चन उठता है वे इन एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंसेस ठीक है तो क्या हुआ नेक्स्ट हमारा पी इन एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंसेस थ्रू थ्रू वट थ्रू प्रोग्राम्स इंटेग्रेटेड विद जनरल एजुकेशन ठीक है आर वट इस पर भी क्वेश्चन उठता है वट विल बी एनहेंस्ड शार्पली ठीक है तो क्यू तो हमारा आंसर है एस पी आर क्यू एसपीआर क्यू कहां पर है सी तो सही हमारा आंसर है तो एक बार फिर से देखते हैं कि हमने कैसे डब्ल्यू एच टेक्निक अप्लाई की सबसे तो पहले मुझे क्लियर हो गया कि यही मेरा सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें जो है मेन जो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स द प्रिपरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स वेयर इन एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंस थ्रू थ्रू वट थ्रू प्रोग्राम्स इंटेग्रेटेड विद जनरल एजुकेशन वट विल बी एनहेंस्ड शार्पली क्लियर है चलिए आगे चलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंड शुड शिफ्ट द वे आर सर्टेनली वेरी इंपॉर्टेंट वी थिंक अबाउट पॉलिटिक्स द इश्यूज रेज्ड बाय फैमनिस एंड मल्टीकल्चरलिस्ट तो सेंटेंस पढ़ने से समझ में आ रहा है कि एक तो ये कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि एंड यूज़ हुआ है और दूसरा इसमें इश्यूज जो है वो एस कैसे काम कर रहा है सब्जेक्ट तो एस क्या हो गया मेरा सब्जेक्ट द इश्यूज रेज बाय फैमनिस्ट एंड मल्टीकल्चरलिस्ट तो इस पर क्वेश्चन उठता है वट आर सर्टनली वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है, आर सर्टनली वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद कंपाउंड uh, सेंटेंस होने की वजह से कौन सा पार्ट आएगा एंड शुड शिफ्ट द वे एंड शुड शिफ्ट द वे हाउ हाउ वी थिंक अबाउट पॉलिटिक्स ठीक है तो आंसर क्या होगा एस क्यू पी आर तो एस क्यू पी आर डी ऑप्शन है तो आंसर क्या हुआ डी तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि सीक्वेंस कैसे बनी सबसे पहले ये तो क्लियर था कि ये हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद मैंने क्वेश्चन अप्लाई किया व्हाट आर सर्टेनली वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है उसके बाद मैं कह रही थी कि कंपाउंड सेंटेंस होने की वजह से एंड वाला पार्ट आएगा और वैसे भी आप देखें कि ये वाला पार्ट तो कनेक्ट ही नहीं कर रहा ना उससे आर सर्टनली वेरी इंपॉर्टेंट वी थिंक अबाउट पॉलिटिक्स नहीं जुड़ रहा ना दैट्स वाई ये वाला पार्ट आएगा एंड शोड शिफ्ट द वे हाउ हाउ वी थिंक अबाउट पॉलिटिक्स ठीक है चलिए आगे चलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाय विच द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ प्लांट इज अल्टर पेस एंड एनहांस इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू टू मेक इट मोर रेजिस्टेंट टू जेनेटिक मॉडिफिकेशन जीएम इज द साइंस तो सेंटेंस पढ़ने से ही समझ में आ गया कि इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन इस वाले पार्ट में जेनेटिक मॉडिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है तो एस जो है वो मेरा सब्जेक्ट होगा तो एस जेनेटिक मॉडिफिकेशन जी इज द साइंस ऑफ वट बाई विच द जेनेटिक मटीरियल ऑफ अ प्लांट इज अल्ट ठीक है तो इसका आंसर जिसपे साइंस है किस चीज की बाई विच द जेनेटिक मटीरियल अल्टर तो आंसर ये पार्ट कर रहा है तो क्या होगा पी अल्टर वाई किस लिए अल्टर्ड होता है पर है इट मोर रेजिस्टेंट ठीक है टू पेस एंड एनहस इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू ठीक है क्यू तो मेरा आंसर है एस पी आर क्यू तो एस पी आर क्यू कहीं ऑप्शन में है बी तो आंसर क्या हुआ बी इस पे किस तरह से डब्ल्यू एच टेक्निक अप्लाई हुई सबसे पहले तो पढ़ने से समझ में आ गया कि साइंस कोई साइंस के बारे में बता रहे हैं सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है तो एस जो है वो मेरा फर्स्ट पार्ट होगा उसके बारे में साइंस को फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह की साइंस तो फिर पी फिर उस पर क्वेश्चन उठता उत, है कि आ, वाई अल्टर्ड वाई किस लिए

वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो क्यू जो है वो सब्जेक्ट द एडिटर्स ऑफ द प्रेजेंट वर्क वट वर्ब आएगी आर द नीड टू अंडरस्टैंड आर द नीड टू अंडरस्टैंड वट द हिस्ट्री ऑफ सोशल रिफॉर्म्स द हिस्ट्री ऑफ सोशल रिफॉर्म्स फ्रॉम हाउ कैसे फ्रॉम अ मच वाइडर एरे ऑफ प्रोस्पेक्टिव ठीक है पी तो कहीं ऑप्शंस में क्यू एस आर पी है क्यू एस आर पी आंसर क्या होगा ए तो देख लेते हैं कि एक बार फिर से किस तरह से डब्ल्यू एच वर्ड अप्लाई हुए ठीक है सबसे पहले इसमें एडिटर्स को यानी कि सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि वही तो आर्ग का एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एक्शन को परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट कौन है द एडिटर्स ऑफ द प्रेजेंट वर्क वट आर द नीड टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड वट द हिस्ट्री ऑफ सोशल रिफॉर्म्स फ्रॉम मच वाइडर एरिया ऑफ परस्पेक्टिव क्लियर हुआ चलिए आगे चलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर विच शी पॉट टिल द एंड एज अ चैम्पियन ऑफ वीमेंस राइट पंडिता रामाबाई वॉज ट्रूली रिमार्केबल एज अ पानियर इन वेमेंस एजुकेशन एंड तो सेंटेंस को बढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि पंडिता रामाबाई जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है ठीक है तो आर जो है वो सब्जेक्ट है दूसरा एंड लगा है यानी कि अगेन ये जो है वो कंपाउंड सेंटेंस है और एंड लगा होने की वजह से ये सेंटेंस का बिल्कुल लास्ट पार्ट तो होने से रहा तो ये बिल्कुल लास्ट भी नहीं होगा ठीक है तो क्या है कि पंडिता रामाबाई वॉज टूरि रिमार्केबल टूरि रिमार्केबल हाउ एज अ चैम्पियन एज अ पाइनियर ठीक है तो दोनों एज अ एज अ इन दोनों का पेयरिंग होगा पर लेकिन पहले ये आएगा फिर ये आएगा क्योंकि इसमें एंड लगा है ठीक है तो क्या बनेगा पहले एस क्यू ओके okay, तो लास्ट जो बचा फॉर विच फॉट टिल द एंड जिसके लिए वो आखिर तक लड़ी ठीक है तो लास्ट क्या हो जाएगा पी शी फॉट टिल द एंड तो हमारा आंसर होगा आर एस क्यूपी ठीक है तो आर एस क्यूपी कहीं ऑप्शन में है ये रहा आंसर है सी तो क्लियर हुआ कि इस पर किस तरह से टेक्निक अप्लाई से हुई सबसे पहले सेंटेंस पढ़ के ही हमें समझ में आ गया कि इसमें एक्शन परफॉर्म करने वाली जो है वो पंडिता रामाबाई है तो मेरा सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो आर होगा उसके बाद एंड लगा होने की वजह से कंपाउंड सेंटेंस है ये बिल्कुल लास्ट में हो नहीं सकता ठीक है इन दोनों को पेयरिंग में बनाएंगे तो फिर पहले कौन सा आएगा ये फिर ये फिर बचा कौन सा फिर ये क्लियर है इस पे क्वेश्चन क्या अप्लाई हुआ था पंडिता रामाबाई वॉज ट्रूली रिमार्केबल हाउ एज अ चैम्पियन ठीक है क्लियर हुआ चलिए आगे चलते हैं एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया आप नेक्स्ट करते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बट पर बेस्ट वे इज टू एग्री देयर आर मेनी वेज ऑफ डीलिंग विद डेम विदाउट एक्सेसिव आर्ग्यूमेंटेशन विद इन ट्रांसजेंट कस्टमर्स इन ट्रांसजेंट का मतलब होता है एडामेंट ठीक है तो इसमें मुझे समझ में आ गया कि सब्जेक्ट जो है वो क्या है देर आर मैनी वेज ऑफ डीलिंग ठीक है तो क्यों जो है वो क्या होगा सब्जेक्ट देर आर मैनी वेज ऑफ डीलिंग विद होम क्वेश्चन उठता है विद होम विद इंट्रांसेंट कस्टमर्स अच्छा आप कहेंगे कि विद तो इसका यहाँ पे भी आंसर कर रहा है विदम यहाँ पे प्रोनाउन लगा है पहले हम किसे इंट्रोड्यूस करेंगे नाउन को ना नाउन प्रोनाउन को रिप्लेस करता है तो पहले नाउन आएगा फिर ही प्रोनाउन आएगा That's why, यहाँ पे क्या होगा देर आर मेनी वेज ऑफ डीलिंग विद इन कस्टमर्स लगी है बट पर बेस्ट वे इज टू एग्री तो पी जो है वो नेक्स्ट हो गया इज टू एग्री विद होम विद विदाउट एक्सेसिव आर्ग्यूमेंटेशन ठीक है आर स का मीनिंग क्या है कि बहुत से तरीके होते हैं एंड कस्टमर्स के साथ डील करने के पर सबसे बेस्ट तरीका यही है कि uh, उनकी बात पे ही अग्री कर जाओ उनके साथ ज़्यादा आर्गुमेंटेशन ना करो ठीक है तो ये सेंटेंस का मीनिंग था तो सीक्वेंस बनेगी क्यू एस पी आर क्यू एस पी आर कहीं है ऑप्शन में बी तो बी मेरा आंसर है ठीक है तो देख लेते हैं कि किस तरह से डब्ल्यू एच ट अप्लाई हुई है सबसे पहले ये मेरा सब्जेक्ट था तो उस पर क्वेश्चन उठता था कि विद होम विद इन ट्रांसजेंट कस्टमर्स ठीक है उसके बाद कंजंक्शन लगी थी दैट्स ये वाला पार्ट आना था बट पर बेस्ट वे इज टू एग्री एग्री विद होम अगेन क्वेश्चन उठता है विद होम क्लियर हुआ चलिए आगे चलते हैं चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इन द ईयर्स फॉलोइंग इंडिया अचीव रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिबरलाइजेशन इन द ईयर 1991 नाइनटी वन द लैंडमार्क रिफॉर्म्स इनोग्रेटेड विया तो यहाँ पर क्लियर uh, हो रहा है कि इंडिया अचीव रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है फर्स्ट पार्ट होगा सेंटेंस का सब्जेक्ट है दैट्स वाई जो है क्यू जो है वो सब्जेक्ट है इंडिया अचीव रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट वेन कब अचीव की इन द ईयर्स फॉलोइंग ठीक है

पर इतना तो समझ में आ रहा है कि इंडिया अचीव रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा क्योंकि इसमें मेन uh, जो है सब्जेक्ट uh, को इंट्रोड्यूस किया गया है तो फर्स्ट ये क्लियर था कि क्यू जो है वो सब्जेक्ट होगा तो क्यू सब्जेक्ट और किसी ऑप्शन में है ही नहीं तो यहीं से क्लियर हो गया कि हमारा आंसर जो है वो डी है तो जब भी लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो टू सेव टाइम चूज फ्रॉम ऑप्शंस ठीक है चलिए आगे चलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द द द द विक्ट्री सिक्योर्ड हॉकी टीम इन इन एरिना ऑफ स्पोर्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया टोक्यो ओलंपिक्स द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री तो यहाँ पे इसे समझ में आ रहा है कि हमारे सेंटेंस का तो दो सब्जेक्ट हो सकते थे या तो इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री या फिर स्पोर्ट ठीक है तो स्पोर्ट पहले इंट्रोड्यूस करेंगे बाद में बताएंगे कि फर्दर कौन सी स्पोर्ट इंडियन ओलंपिक ठीक है तो यानी कि क्यू जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट इन द अरीना ऑफ स्पोर्ट परहैप्स परहैप्स द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री ग्रेटेस्ट मोमेंट मोमेंट वॉज द विक्ट्री सिक्योर्ड बाय द दुम हॉकी टीम पी ठीक है अगेंस्ट होम विक्ट्री विक्ट्री अगेंस्ट होम ठीक है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द टोक्यो ओलंपिक्स ठीक है तो क्यू एस पी आर क्यू एस पी आर Uh, कहीं है ओके सी तो सी जो है वो हमारा आंसर है तो so, आपने नोटिस किया कि किस तरह से डब्ल्यू एच टेक्निक अप्लाई हुई सबसे पहले मैंने देखा दो सब्जेक्ट हो सकते थे पर पहले हम एरिना ऑफ स्पोर्ट की बात करेंगे फिर फर्दर बताएंगे कौन सी स्पेसिफिक स्पोर्ट इंडियन ओलंपिक्स ठीक है तो दैट्स वाई पहले ये सब्जेक्ट हुआ फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन अप्लाई किया इन द एरिना ऑफ स्पोर्ट परहैप्स परहैप्स वट द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री ग्रेटेस्ट मोमेंट विच मोमेंट

इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज डिटर हाउ इन टर्म्स ऑफ जी डी पी एंड जी एन पी तो हाउ अप्लाई करने से मुझे आंसर मिल गया पी नेक्स्ट सबोर्डिनेट कंजंक्शन यूज हुई है विच ठीक तो है तो विच आर आर आए आर इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए तो आएगा नहीं क्योंकि वो सिंगलर है तो किसके लिए आएगा जी डी पी और जी एन पी और दूसरा विच क्या है Which जो है वो रिलेटिव पनाउन है एज कंजंक्शन काम करता है और जस्ट आफ्टर इट्स एंटीसीडेंट प्लेस होता है तो इसके एंटीसीडेंट का क्या है जी डी पी एंड जी एन पी ठीक है तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज डिटरमाइंड हाउ इन टर्म्स ऑफ जी डी पी एंड जी एन पी विच आर द टू मेजर डिटर्मिनेंट्स डिटर्मिनेट्स फॉर वट डिटर्मिनेट्स फॉर गेजिंग द सक्सेस ऑफ अ नेशन तो सेंटेंस कैसे बनेगा आर एंड क्यू तो गेजिंग होता है कैलकुलेटिंग या फिर मेजरिंग ठीक है गेजिंग का मतलब होता है कैलकुलेटिंग या मेजरिंग तो एस पी आर क्यू ऑप्शन में कहाँ है सी तो हमारा आंसर क्या होगा सी ठीक है चलिए आगे चलते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद द अपलोम ऑफ अ स्टेज आर्टिस्ट दैट दे आर नॉट मैन ऑफ स्ट्रॉ दे कैन ट्विस्ट एंड शेक हेड्स टेकली गर्बल इन टू बिलीविंग ठीक है तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे जिनका मीनिंग एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपलोम अपलॉम का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक है और मैन ऑफ स्ट्रॉ जो है वो एक ईडियम है जिसका मतलब होता है अ वीक पर्सन नोट हैविंग अ स्ट्रॉग ओपिनियन जिसकी कोई अपनी एक ओपिनियन ना हो जिसका अपना कोई मत ना हो ठीक है अ पर्सन विथ नो सबस्टांस ठीक है इसका मीनिंग होता है चलिए आगे चलते हैं दे कैन ट्विस्ट एंड शेक दे वॉबलीड्स वॉबली वर्ड अगर तो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है तो उसका मतलब होता है रिवॉल्विंग ठीक है मूविंग ठीक है अगर ये पर्सन के लिए यूज हो रहा है तो अगेन वहाँ पर उसका मीनिंग है आन स्ट्री यानी कि डामाडोल ठीक है अगेन जिसका कोई अपना ओपिनियन ना हो डामोडोल ठीक है नेक्स्ट नेक्स्टिंग द गलिबल इन टू बिलीविंग गलिबल भी क्या होता है वन हु कैन बी इजिली फूल्ड डिसीव्ड और चीटेड जिसको इजिली वेवकूफ बनाया जा सके ठीक है यानी कि सारे वर्ड्स का मीनिंग बता दिया है तो आपको सेंटेंस का कुछ कुछ मीनिंग समझ में आ गया होगा तो चलिए इसको अरेंज करते हैं कैसे अरेंज होगा ये यहाँ पे वर्ब लगी है दे कैन ट्विस्ट एंड शेक तो दे दे मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है सेंटेंस जो है वो प्रोनाउन से शुरू हो रहा है ठीक है ठीक है यहाँ पे सेंटेंस प्रोनाउंस से इसलिए शुरू हो रहा है दे से क्योंकि इसके लिए जो नाउन है वो तो यहाँ पे यूज ही नहीं हुआ दैट्स वाई ठीक है दे कैन ट्विस्ट एंड शेक दे हेड्स ठीक है दे कैन ट्विस्ट एंड शेक दे हेड्स जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो आर मेरा सब्जेक्ट है दे कैन ट्विस्ट एंड शेक दे हेड्स हाउ विद द अपलॉम ऑफ अ स्टेज आर्टिस्ट पी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट जो है फिर क्या आएगा मैसमराइजिंग द gullible into बिलीविंग क्योंकि इसके बाद कॉमा आ रहा है तो यानी कि ये सेंटेंस का एक पार्ट है तो दूसरा पार्ट क्या होगा मैसमराइजिंग द gullible into बिलीविंग एस ठीक है बिलीविंग what? दैट दे आर नॉट मैन ऑफ straw.

ऑन द वन हैंड देर इज द इमेंस ब्यूटी द आर्टिफेक्ट्स ऑफ इट्स विजिबल मॉडर्निटी ठीक है तो एक तो सेंटेंस पढ़ के ही समझ में आ गया किसा वाला सेंटेंस है ऑन द वन हैंड ऑन द अदर ठीक है तो पहले क्या आएगा ऑन द वन हैंड ठीक है उसके बाद क्या आएगा ऑन द अदर और दूसरा ठीक है इसमें इज यूज़ हुआ है इज द इमेंस ब्यूटी ठीक है तो यानी कि आगे क्या आएगा सिंगुलर और इसमें क्या यूज़ हुआ है आर तो क्या आएगा इसके साथ प्लुरल वाला आर्टिफिक्स ऐसे ही सॉल्व कर लिया ये हमने ठीक है तो सेंटेंस कैसे बनेगा ऑन द वन हैंड से तो शुरू होएगा पहले ऑन द अदर हैंड तो नहीं आ जाएगा ना तो पहले हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ आर ऑन द वन हैंड देयर इज द इमेंस ब्यूटी इमेंस ब्यूटी ऑफ वट ऑफ इट्स रेन सॉक्ट वर्जर वर्जर का मीनिंग होता है लश ग्रीन वेजिटेशन यानी कि ये ग्रीनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर समटाइम्स फ्रेशनेस के सेंस में भी यूज होता है ठीक है तो यहाँ पे ये ऑर्गेनिक के सेंस में यूज़ हो रहा है नेचुरल के सेंस में क्योंकि उधर उसके कंपेरिजन में क्या आ रहा है आर्टिफेक्ट्स आर्टिफेक्ट्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स विच आर मैन मेड ठीक है द आर्टिफेक्ट्स ऑफ इट्स विजिबल मॉडर्निटी ठीक है तो आ, हमने सॉल्व कर लिया कि आर हमारा पहले आएगा फिर इसके बाद क्या आएगा ऑफ इस रेन सॉक्ट वर्जर तो पी आर पी ठीक है एंड ऑन द अदर देयर आर देयर आर देयर आर वट द आर्टिफिक्स ऑफ इट्स विजिबल मॉडर्निटी तो इट्स इट्स जो किसके लिए यूज़ हो रहा है ये सेंटेंस में यहाँ पे क्लियर नहीं है ठीक है नेक्स्ट तो इसका सीक्वेंस क्या रहेगा आर पी क्यू एस आर पी क्यू एस ऑप्शन में कहीं है डी तो आंसर क्या हुआ डी ठीक है चलिए आगे चलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर ऑफन रूटेड द काजेज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इन द इनिकवलिटीज ऑफ सोशल सिस्टम्स ठीक है तो सेंटेंस पढ़ने से समझ में आ रहा है कि एक तो वर्ब प्लूरल लगी है यानी कि मुझे सब्जेक्ट कुछ प्लूरल बनाना है तो प्लुरल क्या है द काजेज तो कॉजेज मेरा क्या हुआ सब्जेक्ट क्यू द काजेज काजेज ऑफ वट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी एक्सट्रीम पॉवर्टी वॉट आर ऑफन रूटेड

इन द इनिकवालिटीज ऑफ सोशल सिस्टम तो हमारा आंसर है क्यू आर पी एस क्यू आर पी एस कहीं ऑप्शन में है ये ए तो हमारा आंसर क्या हुआ ए चलिए आगे चलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ परसन बाय द वे ही बिहेव एंड यू मस्ट जज नॉट बाय द वे ही लुक्स ठीक है तो यानी कि बाय द वे नॉट बाय द वे है न कम्बिनेशन में आ रहा है और ऊपर से एंड लगा है अगेन कोर्डिनेटिंग कंजेंशन है लास्ट पार्ट तो होने से रहा ठीक है नेक्स्ट तो यू जो है वो सब्जेक्ट है मस्ट जो है वो मॉडल है तो यानी कि सब्जेक्ट क्या होगा सेंटेंस का आर ठीक है यू मस्ट जज क्वेश्चन उठता है हु पर्सन बाय द वे ठीक है बाय द वे हाउ हाउ ही बिहेव्स ठीक है क्यू हाउ ही बिहेव्स एंड नॉट बाय द वे हाउ ही लुक्स तो हमारा आंसर हुआ आर पी क्यू एस आर पी क्यू एस कहीं ऑप्शंस में है तो हाँ ए तो आंसर हुआ ए तो आपने नोटिस किया कि डब्ल्यू एच टेक्निक किस तरह से अप्लाई हुए हैं सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट ढूंढ लिया यू मस्ट जज यू मस्ट जज हुम अ पर्सन बाय द वे बाय द वे हाउ हाउ ही बिहेव्स ठीक है हाउ ही बिहेव्स एंड एंड लगा होने की वजह से ये पार्ट एंड में नहीं होगा तो पहले आएगा फिर ये आएगा नॉट बाय द वे ही लुक्स ठीक है क्लियर हुआ चलिए आगे चलते हैं

तो हमारा आंसर हुआ आर एस क्यूपी आर एस क्यूपी कहीं ऑप्शन में है सी तो आंसर हुआ सी आपने नोटिस किया कि किस तरह से डब्ल्यू एच वर्ड्स अप्लाई हुए सबसे पहले मैंने देख लिया कि मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो वेन एवर इन डाउट है क्योंकि डाउट के बारे में ही बात कर रहे हैं ठीक तो है तो वेनएवर इन डाउट वट ऑलवेज ऑप्ट फॉर द ऑप्शन ठीक है विच ऑप्शन दैट कॉज इज द लीज डिस्कम्फर्ट डिस्कम्फर्ट टू होम टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल क्लियर हुआ चलिए आगे चलते हैं चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ब्रॉड by बैड टाइम्स अगेंस्ट द डिस्पोंडेंसी आर ग्रेटेस्ट डिफेंस फेथ एंड belief आर तो सेंटेंस पढ़ने से समझ में आ गया कि दो नाउंस यूज है वर्ब यूज है तो फेथ एंड बिलीफ जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो एस जो है वो पहले आएगा तो फेथ एंड बिलीफ आर वॉट आर ग्रेटेस्ट डिफेंस तो क्या रहेगा नेक्स्ट आर फेथ एंड बिलीफ आर आर ग्रेटेस्ट डिफेंस 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 अगेंस्ट होम अगेंस्ट द डिस्पोंडेंसी डिस्पोंडेंसी का मतलब होता है निराशा ठीक है। तो अगेंस्ट होम अगेंस्ट द डिस्पोंडेंसी डिस्पोंडेंसी वॉट ब्रॉट बाय बैड टाइम्स ठीक है तो पी तो एस आर पी एस आर पी कहीं है बी तो आंसर क्या हुआ बी तो आपने देखा कि ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट को सॉल्व करने के लिए किस तरह से डब्ल्यू एच टेक्निक अप्लाई होती है आई होप आपको डब्ल्यू एच टेक्निक पसंद आई होगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में और ये डब्ल्यू एच टेक्निक सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे अप्लाई होगी पैरा पैराजम्पल्स के लिए अलग टेक्निक होती है वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में लेकिन मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और जाने से पहले महानता कभी ना गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिरकर उठने में है